अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने देखा था स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट। पहले हमने स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स में स्पोर्ट देखा प्लांट के अंदर। कल हमने मूवमेंट्स उसकी पढ़ी डिफरेंट तरह से। आज हम देखेंगे स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको स्पोर्ट प्रोवाइड करती हैं और क्या किस तरीके से वो मूव करते हैं, क्योंकि तो एनिमल लोकोमोट भी कर सकते हैं, तो इसीलिए इनके अंदर मोडिफिकेशन भी उसी लिहाज से डिफरेंट हैं। तो एनिमल में स्केलेटन पाया जाता है, विच इज़ अ टफ रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी ऑर्गन। मीन हम डिफरेंट किस्म के स्केलेटन्स पाए जाते हैं एनिमल्स के अंदर, जो उनकी बॉडी की शेप को भी मेंटेन रखते हैं और साथ ही साथ उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो स्केलेटन की कंपोजिशन क्या है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक प्रोटोजोआ में अगर देखा जाए तो सिंगल सेल से उसका स्केलेटन स्प्लिट होता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनसे जो है वो स्केलेटन स्क्रीट होके तो उसका पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। तो टाइप्स हैं स्केलेटन की डिफरेंट, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती हैं, उनकी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस भी होती हैं एनिमल्स के अंदर। तो थ्री मेजर कैटेगरीज हैं, हाइड्रोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। नाम से भी पता चल रहा है हाइड्रो होगा जो वाटर से रिलेटेड है, एक्सो आउटसाइड स्केलेटन को कहते हैं, एंडो जो है वो इनसाइड जो होता है बॉडी के स्किन के वो कहते हैं एंडोस्केलेटन। आगे हम इनको देखेंगे भी। तो नंबर वन पे हाइड्रोस्केलेटन है। तो एनिमल जिनके अंदर हार्ड स्केलेटन नहीं होता, आप फ्लूइड फिल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या सिलोम होती है जो हाइड्रोस्केलेटन के तौर पे या हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे एक्ट करती है। दोनों वर्ड ही एप्लीकेबल है, हाइड्रोस्टेटिक कहें या हाइड्रोसिंपल कहें। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होती, जस्ट वो फ्लूइड के फिल होने की वजह से स्ट्रेंथ मिलती है उनको, कि वो जब वो कैविटी में फ्लूइड फिल हो जाता है तो वो कहने के वो भर जाती है वो कैविटी, तो उससे जो है वो उसको सपोर्ट मिलती है, बाकी के ऑर्गन अपनी जगह पे सही तरीके सेट रहते हैं और वो सारा होता है। तो ये निडेरियंस, एनिलिड और सॉफ्ट बॉडीड जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है हाइड्रोस्केलेटन। तो सबसे पहले देखेंगे सी एनीमोन के अंदर हाइड्रोस्केलेटन। सी एनीमोन के अंदर क्या होता है? कैविटी फिल्ड विद सी वाटर टू एक्सटेंड इट्स बॉडी एंड टेंटिकल्स। उसके अंदर उसके टेंटिकल्स होते हैं, तो बॉडी के अंदर वाटर उसकी कैविटी के अंदर फिल हो जाता है और ये अपना मुंह बंद कर देते हैं, जिससे जो है वो मसल्स फाइबर जो इनकी सर्कुलर फॉर्म में होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, और जिससे जो है वो प्रेशर डेवलप होता है और वो कैविटी जो है वो उस प्रेशर की वजह से बॉडी जो है वो अपना अपराइट यानी कि प्रॉपर जो उसकी शेप है उसको मेंटेन रखते हैं। हाइड्रोस्केलेटन इन अर्थवर्म है। अर्थवर्म के अंदर क्या होता है? उसके अंदर क्योंकि कंपार्टमेंट होते हैं, उसका सेगमेंटेड बॉडी होती है, तो उसका जो फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट है वो सेप्टा यानी कि एक पार्टीशन, एक मेम्ब्रेन सी होती है जिसके जरिए वो सेपरेट होते हैं। तो कंट्रेक्शन ऑफ सर्कुलर मसल काजिस कंपार्टमेंट टू इलोंगेट एंड कंट्रेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल, मीन जो लंबाई बॉडी की लंबाई के रूप मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे बॉडी शॉर्ट होगी, कंपार्टमेंट भी शॉर्ट होगा, और जो यूं उसकी गुलाई में होते हैं सर्कुलर मसल्स उसकी बॉडी के अराउंड होते हैं, तो जब वो करते हैं तो बॉडी स्लिम होगी और लंबाई में इजाफा होगा। तो उन मसल्स के साथ साथ वो कैविटी जो है वो एक्ट करके तो उनको मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो वे वेव ऑफ इलोंगेशन एंड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से कभी अपार्थम को चलते हुए देखें केंचुए को तो ये देखा जा सकता है। इसके अलावा उनके अंदर सीटी पाए जाते हैं जो हर सेगमेंट से निकलते हैं, जिसकी मदद से वो जमीन पे खुद को कहने की सपोर्ट मिलती है उनको मूव करने में। सेकेंड कैटेगरी है एक्सोस्केलेटन की। एक्सोस्केलेटन क्या है? इट इज अ हार्डेंड आउटर कवरिंग विच एक्सो से पता चल रहा है कि बाहर प्रेजेंट होगा, तो इसमें मसल्स जो है वो इंटरनली अटैच हुए हुए होते हैं। ये इनर्ट है, मीन ये मूव नहीं कर सकता क्योंकि इसमें वो उस तरीके से मसल्स की अटैचमेंट नहीं होती जिस तरीके से मूवमेंट में चाहिए होती है। नॉन लिविंग होता है और सीक्रेटेड बाय एक्टोडर्म इन एनिमल सेल, यानी कि उनकी स्किन की जो बाहर वाली लेयर होती है उससे ये सीक्रेट होता है। इसकी टू लेयर्स होती हैं, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल यानी बाहर वाली, वैसे तो पूरा का पूरा स्केल्टन बाहर होता है ना, फिर उस स्केल्टन में जो बाहर वाली लेयर होगी उसको कहते हैं एपिक्यूटिकल। और उसकी कंपोजिशन क्या है? वैक्सी लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, जाहिर है वो लिपिड्स उसमें होते हैं, इसकी वजह से
इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर एंड सर्व एज अ बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसेक्ट्स, मीन के वो एपिक्यूटिकल जो है वो उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन वगैरह से, अटैक वगैरह से बचाते हैं, क्योंकि उनकी वैक्सीन और साथ ही साथ वो वाटर से भी, फ्लडिंग से उससे भी बचाते हैं। और नेक्स्ट है उससे ऊपर एपिक्यूटिकल के अंदर होती है प्रोक्यूटिकल। तो प्रोक्यूटिकल के आगे फर्दर टू पार्ट हैं, यानी कि बाहर वाली एपिक्यूटिकल, फिर आगे प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल के अंदर जो बाहर वाली लेयर है उसकी, आउटर लेयर प्रोक्यूटिकल की, उसको कहते हैं एक्सोक्यूटिकल, और उसकी इनर लेयर होगी एंडोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल जो है वो काइटन टफ होती है, ये लेदरी इसकी होती है, पॉलीसेक्राइड्स और सेवरल काइंड ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, और इट इज़ फर्दर हार्डन बाय सेक्लोटराइजेशन एंड सम टाइम बाय इम्प्रेजिनेशन विद कैल्शियम कार्बोनेट, मीन काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। आगे डिफरेंट एनिमल्स के अंदर है कि किस तरीके से एक्सोस्केलेटन होता है। तो सबसे सिंपलेस्ट अगर देखा जाए तो वो मुलस्का, फाइलम मुलस्का के अंदर पाया जाता है, मुलस्क के अंदर। तो इसमें दो पीसीज होते हैं, कुछ दो पीसीज होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। सम मेराइन बाई वाल्विया एंड स्नेल है शेल कम्पोज ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड शेल ऑफ लैंड। स्नेल जो है उसका बना हुआ होता है, उसमें हार्ड मिनरल्स नहीं होते और इस वजह से ये लाइट वेट होता है, लेकिन जो मुलस्का है उसका थोड़ा सा इसकी नस्बत हैवी होगा। और मुलस्का शेल कैन ग्रो एज द एनिमल ग्रो एंड ग्रो थिंग्स आर पेरेंट, मीन वो ग्रो करता है, मुलस्का का शेल जो है वो साथ साथ बड़ा होता रहता है, उस पर रिंग बनती हैं, वो कभी आप मुलस्का देखें तो उस पर नजर आती हैं ये चीज़ें। सॉफ्ट पार्ट हैव आल्सो हैव हाइड्रोस्केलेटन, मीन आप अगर देखा जाए तो मुलस्का के अंदर दोनों टाइप के स्केलेटन हैं, एक्सोस्केलेटन भी और हाइड्रोस्केलेटन भी पाया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड। तो ये कॉम्प्लेक्स किस्म का है, आर्थ्रोपोड के अंदर जोरदार टांगों वाले जो कीड़े होते हैं उनके अंदर, तो उनका जो एक्सोस्केलेटन है इस तरीके से अडैप्ट हुआ होता है कि वो ग्रो भी करते हैं, ये नहीं है कि उनका साइज ही लिमिटेड हो जाए, क्योंकि एक्सोस्केलेटन इस तरह से होता है कि इनर्ट है, नॉन लिविंग है, इस वजह से उसका उस तरीके से साइज नहीं बढ़ता। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि साइज मतलब उसके अंदर ग्रो करने के लिए मॉडिफिकेशन होती है, आगे भी हम देखेंगे कि क्या मॉडिफिकेशन होती हैं। तो इन्वेजिनेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन फॉर्म रिजिज एंड बार फॉर मसल अटैचमेंट, मीन क्या है, इसमें वो उभार से बने हुए होते हैं जिससे जो है मसल्स उसके साथ अटैच हो जाते हैं अंदर। जाहिर है प्लेन होगा तो उस तरीके से अटैचमेंट नहीं हो सकती, तो रिजिज और बार जो है वो स्केलेटन की मसल्स के साथ बहुत अच्छे से अटैचमेंट में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है, ज्वाइंट्स बनते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, यानी कि एक्सोस्केलेटन तो है लेकिन वो जोरदार होता है, जिसकी वजह से मतलब कुछ कुछ वक्फे के बाद उसमें गैप्स होते हैं, तो वहाँ से वो फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होता है, तो ये इजीली मूव कर सकते हैं आर्थ्रोपोड। इसके अलावा एक्सोस्केलेटन के अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स भी होते हैं जिनको सेंसिला कहते हैं, जो कि ब्रिसल्स की शक्ल में, लेंसेस की शक्ल में मतलब होते हैं वो, कांटों की शक्ल में, उभार की शक्ल में, और इसकी वजह से गैशियस एक्सचेंज होता है इन पार्ट्स की वजह से, सेंसिला की वजह से। इसके अलावा आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन है, इट आल्सो प्रोटेक्ट द एनिमल अगेंस्ट देयर एनिमी एंड रफ एनवायरनमेंट, क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है और ये ड्राई होने से भी बचाता है एनिमल, जो अंदर एनिमल है स्केलेटन के अंदर उसको ये ड्राई भी नहीं होने देता। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि एनिमल इसके अंदर बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि स्केलेटन का तो एक ही साइज होता है ना, एनिमल जब बड़ा होगा तो उसको स्केलेटन छोटा पड़ना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए इनके अंदर अडाप्टेशन होती है कि ये अपना पुराना जो स्केलेटन है उसको नए वाले से रिप्लेस कर देते हैं लार्जर में, एक वक्फे के बाद पीरियोडिकली जो है ना वो चेंज करते हैं अपना स्केलेटन, पुराने वाले को शेड करके नया वाला उसकी जगह ये बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्डाइसिस या मोल्टिंग। उसकी फोर स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं हाइपोडर्मल ग्लैंड से, यानी कि वो जो स्किन के ग्लैंड होते हैं स्केलेटन के पास, तो वो क्या करते हैं, वो एंडोक्यूटिकल को जो है ना वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है एक्सोस्केलेटन अपने वो अंदर वाली जो स्किन की लेयर होती है उससे वो अलग होना शुरू हो जाता है, और उन्हीं एंजाइम्स की वजह से ओल्ड स्केलेटन जो है वो टूट जाता है और उसमें सुराख हो जाते हैं, वो टूटना शुरू हो जाता है। थर्ड में क्या होता है कि फिर जब वो इस तरह से होता है, फिर एंडोक्यूटिकल डाइजेशन उसको क्या करते हैं वो डाइजेशन उसकी उन एंजाइम्स की वजह से शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ जो है वो
नई प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल जो है वो सीक्रेट होना शुरू हो जाती है, जो कि फिर बड़े साइज के स्केलेटन बनाने में इन्वॉल्व होगी। और फाइनली क्या होगा, न्यू स्केलेटन इज हार्डन बाय डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कि नया स्केलेटन जो सीक्रेट हो गया है अभी वो कमज़ोर है, वीक है, तो उसको फिर हार्ड किया जाता है। और हार्डनिंग प्रोसेस आर्थ्रोपोड जो है वो जाहिर है उस टाइम पे वो वल्नरेबल होते हैं, तो वो ये काम जो एक डाइसिस का होता है ये छुपके करते हैं। और ये मतलब उनको कैसे पता चलता है कि ये करना कब है, उसके लिए उनके अंदर हार्मोन होता है एग्डीजोन, जो इस सारे प्रोसेस को एक डाइसिस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये हमने दो कैटेगरीज देख ली हैं, कल इंशाल्लाह हम तीसरी कैटेगरी जो है वो स्टार्ट करेंगे, एंडोस्केलेटन।